हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जीके डॉट इन। आज मैं आपको Xiaomi के लेटेस्ट फ़ोन Redmi Note 3S का रिव्यू देने जा रहा हूँ। वैसे ये फ़ोन Redmi 3S Prime के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका 32 GB वर्जन और 3 GB रैम वाला वर्जन है वो Redmi 3S Prime के नाम से है, और जो 16 GB वर्जन और 2 GB वर्जन है वो Redmi 3S के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये फ्लिपकार्ट और हमारी MI.com से अवेलेबल है। मैंने ये हैंडसेट MI.com से मंगवाया है। तो आइए इसकी देखते हैं स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और रिव्यू चेक करते हैं कि आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या खास है जो कि जिसको कि आप बाय कर सकें। ये वर्जन मैंने 9000 रुपीज़ में मंगाया, मीन्स 8999 में। सो देखिए इसकी हम स्पेसिफिकेशंस अभी चेक करते हैं कि इस स्पेसिफिकेशंस में क्या अंतर है रेडमी नोट 3 से, क्योंकि रेडमी नोट 3 का ये डाउनग्रेडेड वर्जन इसको हम कह सकते हैं। ये बॉक्स है रेडमी 3S का। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसके बॉक्स के पीछे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमें क्या बताती हैं कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप देख सकते हैं Redmi 3S डुअल सिम हैंडसेट है, सेम एज़ द आपके Redmi Note 3 जैसा जो आपका पिछला लॉन्च हुआ था। इसमें भी डुअल सिम है, इसकी भी हाइब्रिड सिम स्लॉट है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, इट इज़ द 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और इसमें 5.5 इंच की स्क्रीन है, 13 MP बैक कैमरा एंड 5 MP कैमरा, एंड द बैटरी सेम Redmi Note 3 जैसी ही है 4000 mAh तक की। और इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन वगैरह वगैरह, मतलब इसमें सेंसर भी मिलेगा आपको, क्योंकि ये हमारा 16 GB और 32 GB रोम वाला वर्जन है, तो इसमें आपको सेंसर भी मिल रहा है। और इसमें आपको एक बात और मिलेगी, इसके अंदर आपको MIUI 7 के साथ मार्शमेलो अपग्रेड पहले से ही इन बिल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि Redmi 3S में भी एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है। ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसको मैंने इजेक्टर पिन से निकाला है, और इसमें आप एक नैनो सिम और एक माइक्रो सिम लगा सकते हैं, या फिर नैनो सिम की जगह आप अपना माइक्रो एसडी कार्ड प्लेस कर सकते हैं और एक माइक्रो सिम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से इसका नाम हाइब्रिड स्लॉट पड़ा है, क्योंकि इसमें दोनों फंक्शन एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे अंदर वापस इंसर्ट कर देता हूँ हैंडसेट के। जो Redmi 3S की स्क्रीन है उसकी मतलब ब्राइटनेस मैंने अभी आधी करके रखी है, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो मैं फुल करता हूँ। अब इसकी ब्राइटनेस फुल है, लेकिन जिसका स्क्रीन रिप्रोडक्शन है, लाइट रिप्रोडक्शन है, वो काफ़ी बेहतर लगा मुझे Redmi Note 3 से। और इसका जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस पूरा MIUI है और सेम Redmi Note 3 जैसा ही आपको फील आएगा। बस इसका स्क्रीन जो है साइज़ वो थोड़ा छोटा है, जो कि 5 इंच का है। इसका बैक है वो पूरा Redmi Note 3 जैसा ही है, और इसके जो प्लेसमेंट है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन की, और ऊपर 3.5 mm जैक है, वो सेम एज द Redmi 3S जैसी ही आपको दिखेगी। यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे IR ब्लास्टर के साथ आपको माइक भी मिलेगा, और आपके इसको बैक साइड में आपका जो कैमरा है, बस इसका कैमरा का प्लेसमेंट थोड़ा टॉप कॉर्नर में है मोबाइल के, और फिंगरप्रिंट सेंसर वहीं दिया गया है। बॉटम साइड में आपको मिलेगा इसका एक चार्जिंग माइक्रो चार्जिंग पोर्ट और एक और माइक नॉइज़ कैंसलेशन के लिए, और लेफ्ट साइड में आपको एज यूजुअल आपको मिलेगा सिम ट्रे इजेक्टर, पिन का होल मिलेगा उसके साथ और सिम ट्रे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो टच की स्मूथनेस है और इसका कलर रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी बेहतर है, और मुझे उससे भी अच्छा लगा Redmi Note 3 से। अब आप देखते हैं इसका आर्किटेक्चर, देखते हैं कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। इसमें ARM OXD03 1.4 GHz के 4 प्रोसेसर्स हैं, मतलब 8 प्रोसेसर्स हैं, ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाला मोबाइल है ये। और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें CPU कम से कम 10% ही है, और इसमें आप GPU देखेंगे तो इसका GPU 505 है, जहाँ की Redmi Note 3 का GPU 510 था, Adreno 510, इसमें Adreno 505 है। बाकी इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 6.0.1 मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि इसका HD स्क्रीन रेजोल्यूशन है, 320 DPI की स्क्रीन डेंसिटी है। अभी रैम इसमें 3 GB है, 3 GB रैम का वर्जन है क्योंकि ये, और इसमें इंटरनल स्टोरेज 32 GB है। इसमें अभी मैंने कुछ ऐप्स और गेम्स इंस्टॉल किए हैं, इसलिए मेमोरी थोड़ी भरी हुई दिखा रहा है। और इसका टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर, वो 32.7 डिग्री सेल्सियस है, जो कि वेल मेंटेन्ड है। और इसके बाकी प्रोसेसर सेंसर्स की लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, मतलब सेम एज द प्रोसेसर्स जो आपको Redmi Note 3 में मिले हैं आपको Redmi 3S Prime में भी मिलेंगे। प्राइम मीन्स 32 GB वाला और 3 GB वाला वर्जन है ये। और इसकी 5 इंच स्क्रीन भी काफ़ी है। अब कुछ लोगों को बड़े मोबाइल की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को छोटे स्क्रीन की, लेकिन ये मुझे बेहतर लगा। ये कॉम्पैक्ट है और जेब में आसानी से फिट भी हो सकता है।
तो फ्रेंड्स अब मैं एन टू टू बेंच मार्क स्कोर आपको चला के दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि ये एन टू बेंच मार्क में क्या परफॉर्म करता है। ये पहला मेरा इसका एन टू टू बेंच मार्क टेस्ट है, सो लेट्स चेक कि ये कैसा परफॉर्म करता है और बाकी किसी और मोबाइल कितने मोबाइल को पछाड़ता है। फ्रेंड्स आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो एन टू टू एप्लीकेशन है वो फ़ोन के पूरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पूरा टेस्ट करती है, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारा फ़ोन किस तरह से आगे परफॉर्म करेगा और उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो क्या रहेगी। आइए हम स्कोर चेक करते हैं। तो स्कोर्स आए हैं 41,234। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो हैंडसेट है रेडमी 3S वो कहाँ पे स्टैंड करता है बाकी अदर स्मार्टफोन की रैंकिंग्स में। तो हमारा जो स्मार्टफोन है उसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, वो अभी सबसे लास्ट में चल रही है, लेकिन फिर भी इट इज़ अ क्वाइट पावरफुल। अभी भी एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन है। अगर आप बजट को देखें, 7,000 में आपको उसका दूसरा वेरिएंट मिलेगा 2G वाला, और अब इतने में आपको 9,000 में आपको 3G वाला वेरिएंट मिल रहा है। और जो रेडमी 3S का सक्सेसर है रेडमी नोट 3, अब उसकी रैंकिंग हम देखते हैं तो वो रैंक करता है 25th नंबर पे और हमारा रेडमी 3S है 31st नंबर पे। इसके अलावा एक क्वाड्रेंट बेंचमार्क स्कोर टेस्ट एप्लीकेशन भी है जिसका मैं यूज़ करूँगा पूरा बेंचमार्क टेस्ट करने के लिए। चलिए हम इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। फाइनली इसके क्वाड्रेंट बेंचमार्क स्कोर्स भी आ गए हैं जो कि हैं 18,795। ये स्कोर्स बाकी सारे हैंडसेट्स से ज़्यादा हैं, भले ही ये पुराने हैंडसेट्स हैं, मतलब कि अभी न्यू लॉन्च हैंडसेट नहीं है, लेकिन तब भी इसका स्कोर्स बाकी जो हमारे LG Nexus एंड अदर जो HTC One X फ़ोन्स हैं उनसे भी ज़्यादा हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसकी ओवरऑल मिक्स परफॉर्मेंस है पूरे स्मार्टफोन की। इस वजह से मैं ये कंसीडर करूँगा कि ये नॉर्मल लो बजट फ़ोन्स में अभी तक का सबसे अच्छा फ़ोन माना जा रहा है। और जहाँ तक इसकी बात है गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए मैं रेडमी नोट 3 प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसके अंदर जो उसका GPU और उसका जो परफॉर्मेंस है उसके प्रोसेसर्स का, जो कि हमारा हेक्साकोर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 650, वो इससे ज़्यादा बेटर है।